द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में स्कूल और कॉलेजों में खत्म होगा शिक्षकों का संकट, भरे जाएंगे 24,000 पदों के बारे में जो शिक्षा मंत्री जी ने बताया है उसके बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, हम मेन अपने काम की बात पढ़ेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्टाफ का संकट जल्दी दूर होगा। 270 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जान नए प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के 3863 पदों की भर्ती प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग से होगी। भैया इसी तरह 7471 TGT की और 952 PRT हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से होगी। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो इसमें बताया हुआ है भी 3863 TGT के 7471 और प्राथमिक शिक्षकों PRT के 952 पदों की भर्ती प्रक्रिया मार्च तक शुरू होगी। तो जनवरी चल रहा है, अभी मार्च तक इसमें शुरू होगी है। अब हम बात करें 870 PGT तथा 5624 TGT हरियाणा कौशल रोजगार से लगेंगे और कॉलेजों को भी मिलेंगे 4,000 शिक्षक। तो ये भाई बिल्कुल इन्होंने बता दिया है। जो लास्ट में हम बात करें तो स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि इस साल करीब 24,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। करीब 11,500 शिक्षकों की भर्ती स्थायी रूप से की जाएगी, जबकि 8,500 संविदा पर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी गई है। कॉलेजों में 4,000 प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। तो ये थी पूरी डिटेल। तो इसमें जो है मार्च से बोला जा रहा है भी मार्च तक ये प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि कौशल की चली रही है और HSSC का नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे आपको सबसे पहले चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।